के गांव में विकास आया था ना, ये सब फेर फेर में हम ना रहले। हमरा माल जाल बा, बकरी पठरू बा, के आयल ना आयल, उस से हमरा कोनो मतलब ना रहल। हम अपने पढ़े दीपर हॉस्पिटल से आईनी हाँ, हमरा सरोजिन का ऑपरेशन होलक। विकास कब आवले, कब जाले, वो सका फेरफार में हम ना रही। अरे चाचा, विकास के मतलब रउर गांव में सरकारी काम काज भइल बा। मैं ना फोकस कीजिए लगातार इस भाई पे। तो भाई साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप इसी गांव के हैं। तोरा बुझा नहीं रहा है? नहीं मतलब बुझा रहा है, मतलब आपसे पूछे हैं कि आप इसी गाँव से है। हाँ। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ डायरेक्ट, है ना। तो कई पार्टियों के नेता आते हैं और आपके गांव में बहुत सारे वादा करके चले जाते हैं, लेकिन इस गांव में विकास नहीं हुआ और यहां सिर्फ मरई है, एक छत नहीं आप लोगों के पास। तो सीधा सवाल सरकार से है, ये सरकार है, आप सवाल कीजिए सरकार से। अरे क्या हुआ भाई साहब, बोलिए सरकार को कुछ। अच्छा साला, ये बस सरकार? अच्छा तो तू ये बड़े सरकार कारे साला, वोट ले लो इस काम का नहीं कर ले। अब भाई साहब, अरे सरकार थोड़ी है, अरे ये तो कैमरामैन है, आप इसमें बोलिए कैमरा में, सरकार तक पहुंचेगी। सीधे बोलिए कैमरा में। हेलो 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 सर, हाँ बोलिए। अरे भाई साहब, अरे कैमरा कुछ नहीं बोलेगा, आपको जो बोला है सब बोलिए, यहाँ पे सरकार सुन लेगी आपकी बात। हाँ हमारा गधा समझ ले बारा, जो बोल के फंसे जाई। अरे भाई साहब, आपको जो बोला है बोलिए, सरकार सुन लेगी, आपका काम करेगी, सुनेगी। तो जब अगला नहीं बोले तब ना हम बोलेंगे। अरे अगला कुछ नहीं बोलेगा, जो बोला है आपको बोलना है। ओ चौथू समझ ले बारा, हम बोल के फंस जाई, बिहान बेला सरकारवा आई गार में बांस करके ले जाई जेल, तेलैया करी तो तू आईबा बचावे लबरई के बाजार के ले बारा। अरे भाई साहब, आप सरकार को कुछ भी बोल सकते हैं, आपका अधिकार है, आप वोटर है, आप वोट दिए सरकार को, बोलिए। हमको कुछ नहीं बोलना है, हम गरीब आदमी है, सब सरकार जिंदाबाद है, जाइए यहाँ से। चलिए यहाँ से, कथी ऐसे आदमी से पूछ रहे हैं, ये सब खाली मीट भात खाने के फेर में रहता है। चलिए कथी पूछते हैं बहुमत आदमी से, सरकार बोले हैं तो हमको मारने लगा है, बताइए। हाथे मार रहा था तो ठीक है, कहीं लतियाने लगता हमको तब। अरे शशि जी, हम तो बोले हैं सरकार से पूछिए, कैमरा को बोले हैं, हमको क्या पता है कि आपको मारने लगेगा, चलिए आगे। तो ये रहा गारखा, यहाँ के लोगों को मैं बात समझाया लेकिन समझ नहीं पाए, सरकार का नाम लेते ही सरकार पर टूट पड़े, यानी कि समझ लीजिए अगर सरकार होती सामने तो उसको क्या करते मैं नहीं जानता, आप लोग बता सकते हैं। यहाँ का काम देखकर आप लोग बता सकते हैं, कैमरामैन कैमरा घुमाइए थोड़ा, यहाँ का आप लोग हालात देख लीजिए, एक भी ईटा का घर नहीं है, सब टाटी मरई है। कैमरामैन शशि यादव के साथ मनी मिराज, मुजफ्फरपुर बिहार। हेलो नमस्कार, आदाब सलाम, फिर से आप सबको कल तक भोजपुरी में स्वागत है। हम गारखा से सीधे वैशाली जिला के एक भोसरीपुर में पहुंच चुके हैं और मेरे साथ जुड़ चुके हैं भोसरी वाले चाचा, और भोसरी वाले चाचा से सीधा सवाल रहेगा चुनाव पे और सरकार के कामकाज पे। तो भोसरी वाले चाचा, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे हम। झींगा सहनी। बहुत अच्छे झींगा सहनी जी, चलिए सीधा सरकार के कामकाज पे बात करते हैं। कैमरामैन चलिए झींगा सहनी पे कैमरा का फोकस लगाइए, और झींगा सहनी जी सबसे पहले आप बताइए कि आपके मोहल्ले में नल जल का काम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं नहीं लगा है। अरे आप सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं झींगा सहनी जी, हम तो पूरे रास्ता में देखते हैं कि नल जल का पूरा काम हुआ है, नल लगा हुआ है। लगने से होगा कि नल में जल चाहिए? नहीं जल मिलना चाहिए भाई, आपको जल नहीं मिलता बराबर? नहीं नहीं मिलता है जल। चलिए कहाँ मिलता है, चलिए आपको हम दिखाते हैं। पानी अभी नहीं करता है नल में, 5 मिनट आता है 24 घंटा में, तो लेटरिन करने जाते हो तो छिछिरिया करने का नौबत आ जाता है। तो ये है भोसरीपुर का हाल, नल जल लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं है, है ना? हाँ, जैसे ही धोने जाते हैं पानी भाग जाता है। अरे चाचा आप दारू पिए हुए हैं? हाँ पिए हैं। अरे लेकिन बिहार में तो दारू बंद है, आप कैसे पिए हुए हैं? आप थोड़ी ना, हम व्यवस्था कर लेते हैं। कौन बेचता है दारू बताइए, अभी उसको हम टेलवाते हैं। काहे बताएंगे, उसका भी घर परिवार है, थोड़ी ना अपना काम कीजिए, हम पी लेते हैं ना बस। तो ये है झींगा सहनी, ये बोल रहे हैं कहीं ना कहीं से दारू जुगाड़ कर लेते हैं, आखिर ये दारू कौन बेच रहा है, कौन है दारू माफिया? लगातार फोकस कीजिए कैमरामैन, इसी बात पर चर्चा होगी आज। सर जब से दारू वाला बतवा पे स्टार्ट किए हैं तभी सर कैमराओं का बैटरिया बैठ गया था, हम बीच में सर आपको नहीं बोले हैं कि आपको खराब वराब लग जाएगा कहीं। अब इसमें खराब लगने वाला कौन बात था, चुतिया है क्या आप? आए कितना बढ़िया व्यवस्था वगैरह लगा चाचा के टेलर के। सर दूसरा बैटरी लगा लेते हैं, दूसरा बैटरी लगा लेते हैं, इनसे एक बार पूछिए ना। झींगा सहनी जी आप जो दारू पर बात बोले थे आप फिर से बोल सकते हैं? बाप का नौकर है क्या आपका? एक ही बात का 10 बार लौटा गया, नहीं बोलेंगे हम एक ही बात बोलते हैं, जाइए। मुठेला रहा कैमरा के।
कौन ये साले तो ऐसे एक झाट ना उखड़ी साले साथ में एगो हई देह ना रही तो साले पकड़ा गुरा लगे मर जाबो। हालात बहुत खराब है और सरकार बोली थी कि आपके गांव में काम हुआ है, क्या आप बता सकते हैं कि आप ए हट हट वो गांव में हमारी नहीं के गांव में आरो लोग बा जा के आरो लोग से पूछ हमरा भैंसी लेर के टाइम हो गया बा। आप इसी गांव से हैं? हाँ इसी गांव से है, बोलिए कथी बोलना है। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? बंडी क्लास 8 कुमार में पढ़ते हैं। हाय 8 कुमार छोड़ी सर, बंडी कुमार 8 क्लास में पढ़ते हैं सरकारी। अच्छा बंटी कुमार 8 क्लास में पढ़ता है, चलो बहुत अच्छा। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? बैगन सर, यही फेवरेट है, आलू मटर फेट के खाते हैं। रे माधर चट्टा साला, सब्जेक्ट यानी विषय, विषय कौन सा विषय है तुम्हारा? ओ जा सर, जोर घटाओ गुना भाग कर लेते हैं। विषय पूछ रहे थे जोर घटाओ गुना भाग। अरे हिंदी है कि इंग्लिश है कि साइंस है? हाँ सर ये तीनों में से कौन है, आप इंग्लिश से मान लीजिए। पढ़ाई तुम्हारा बाप का बबौती है कि मान ले, हट उन्हें झाट उघाड़ेगा। कितना क्लास में पढ़ता है? नहीं बताएगा। नहीं बताएगा क्या है? ये देखो बाजी पलट दिया, ये दांत यार रहा। बाबू तुम कितने क्लास में पढ़ते हो? हम ना पढ़ी ले, कहला पढ़ी। अरे पढ़ेगा तो तुम्हारा बाप मदारी का नाम रोशन होगा। हमें रोशन करेगा नहीं थे। मतारी के गरिया दी का हो ना गरिया हो, फालतू लड़का सभी कथी गरिया ही है। अच्छा बंटी क्लास 8 कुमार, इधर स्कूल किधर है? चलिए पासे में है, दिखाते हैं। चलिए चलिए भैया, ये स्कूल हुआ है, इसी में ना हम पढ़ते हैं, सब लड़का इसी में ना पढ़ता है। आज हमको मलजारी हो गया है ना, तो पापा के गोर पर चुरुक गया है, तो पापा माना कि ये नहीं जाए, तो नहीं गए है। अब जाइए, हम गुल्ली डंडा खेलने जा रहे हैं। साला बड़ी खुश है, नहीं जा कर आई हो दादा, ये क्या हो रहा है? वो मार हो रहा है सर, लड़का सब में नहीं देख रहे हैं। अब मास्टर कहाँ है? हेलो कहाँ करो दादा? कुछ नहीं बस माल से बतिया रहे ना जी। आ ऊ छोड़िए ना, हाउ देखिए ना, हाउ मालिश हो रहा है उनका। घुसल जाओ, घुसिए ना, चलिए ना, गाड़ फाड़िए ना, हम कैमरा टान रहे हैं। आइए तो हम पहुंच चुके हैं लालटेनगंज के मिडिल स्कूल में। यहाँ पे देखिए लड़का सब उधर लारा पीटी कर रहा है, आई मास्टर देखिए यहाँ पे मालिश करवा रहे हैं। ओ मास्टर जी कुछ बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? उधर लड़का सब देखिए तो मारपीट कर रहा है, आप यहाँ मालिश करवा रहे हैं। आज थोड़ा कैमरा उधर घुमाइए, कैमरा मैन थोड़ा हाई मास्टर जी को दिखाइए, माल से बतिया रहे हैं। हाँ नाम का थी है? शहनाज। माल का नाम नहीं, अपना नाम बताइए। सैफुल सैफ। दू को नाम है आपका? हाँ मालो दू को होगा ना, बहुते है, चाहिए क्या? मुंह में कैला घुसे रहे हैं, हटाइए। ध्यान से देखिए पखंडी मास्टर को किस तरह मैडम से बतिया रहे थे। हम बोले किससे बात कर रहे हैं, तो माल से, चाहिए का? बेशर्मी की हद होती है, ऐसे मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं, कल तक भोजपुरी बने रहिए मनी में राजीव के साथ। आगे दिखाइए कैमरा मैन सजिया दो। सबसे पहले हम नौकर चाकर से पूछते हैं, कथी है आप? आदमी है तो हम देख रहे हैं, हम क्या बोले करिए पैसा है आप? है कथी स्कूल का? एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट होता है, साइड होइए। आप कथी है? मास्टर है। कौन मास्टर? पढ़ाते हैं हम, इस स्कूल के हेडमास्टर है। तो हेडमास्टर है, पढ़ाने के लिए बोले क्या, भविष्य खराब कर रहे हैं? किस बात की पगार लेते हैं आप सरकार से? टाइम से स्कूल खोलते हैं बंद करते हैं, इसी बात का पैसा लेते हैं। लड़का आई तहियो बाबा, ना आई तहियो बाबा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? बिल्कुल नहीं, कोनो हमर प्राइवेट नौकरी बा, सरकारी नौकरी न बा, सरकारी महीनवा के उसे रोकाए वाला बा, आओ तब चाहे ना आओ तब। ध्यान से देखिए हेडमास्टर को किस तरह सरकारी नौकरी का घमंड दिखा रहे हैं, यही तो फायदा होता है सरकारी नौकरी का। लड़का भले करिए लुहाट हो, लेकिन मेहरू गोर बुरा चाहिए। ये बात सर आप बिल्कुल सही बोले हैं, इसके लिए हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। सब सरकारी नौकरी वाला का यही हाल है, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी सर, हाथी लगने को करिया लड़का था, उसके पास सरकारी नौकरी था, उससे उसका ब्याह हो गया, और मेरे में क्या कमी था सर देखिए तो एक बार। रे साला तू कैमरा करिया बैठे के प्रेम कथा सुना रे, कैमरा लगाओ साला। जैसे हेडमास्टर को देख लीजिए, देखने में 35 साल के है, और घर में मेहरू जाकर देखिएगा तो 15-16 साल के होगी कचनार। तो चलिए स्कूल के बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि मास्टर पूरा बहुमास है, पैसा देकर घूस देकर नौकरी लिया हुआ है। पैसा लौटान, चल मालिक कर। तो बाबू तुहर नाम का बा? धनु। धनु कितना क्लास में पढ़ल? तीसरा क्लास में। अच्छा बिहार के मुख्यमंत्री के नाम मालूम बा? नहीं मालूम।
तो बाबू तुहर नाम का बा? रितिक। रितिक। अच्छा कितना क्लास से पढ़ल? तीसरा। तीसरा में। अच्छा हेडमास्टर के नाम पता बा तोरा? मालूम बा लेकिन ना बता। तोहर नामो नहीं के जानत सर बा। आप कुछ बोलेंगे स्कूल के बारे में? हमको नाम रंजन है, हम बहुत खर्चा लड़का है। ये कथी कर ये साल? तो आप लोगों ने देखा यहाँ के स्कूल का कितना घटिया स्थिति है। हेलो भाई साहब, आप कौन है? यहाँ के टीचर। टीचर है आप जी? तो आप कुछ बोलेंगे यहाँ के घटिया पढ़ाई के बारे में? ए हट हट, पैखाना लगा। का उपाय हो को एक कर, तो साला नौकरी खा जाए। तो आप लोगों ने देखा स्कूल के साथ साथ यहाँ का टीचर भी घटिया है, बात करने का तमीज नहीं है, हगास लगल है। सर पकड़िए साला को, बहुत बोल रहा है। चलिए तो मैं सरकार से यही दरखास्त करना चाहूंगा कि यहाँ के टीचर को बदला जाए और आर्थिक व्यवस्था को सुधारा जाए। चल पैसा काम में। चलो डॉक्टर के पास माथा के सीटी स्कैन कराएंगे। सर जी गौरवों का करा लीजिएगा, बड़ी हमजा हमजा के हमारा कहीं फाट गया है, बोचल है।